हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी, शैक्षिक सत्र 2024-2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी का सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कक्षा 10 में है आप सभी यदि और 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे तो आप लोग हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को जरूर जान लें। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कब क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन भी किया गया है और आपको बताया गया है यूपी बोर्ड के जरिए कि आपको किस महीने में क्या पढ़ना है, कब कौन सी परीक्षाएं होंगी। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम माह अप्रैल माह, सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 2024 से प्रारंभ हो चुका है आपका, क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चों है अप्रैल माह की 10 तारीख। जिस दिन मैं आपके लिए यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, आज 10 तारीख है, संभवतः आप अगले दिन वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास अप्रैल माह के अंतर्गत ही पढ़ना है और हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मित्रता पाठ को भी पढ़ना है। 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपको रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता पाठ पढ़ना है, सूरदास जी के पद, जितने भी पद हैं सभी पदों को पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मई माह के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, वाराणसी जो कि संस्कृत खंड का पाठ है और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पाठ ममता नामक जो कहानी है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया धनुष भंग शीर्षक पाठ और वन पथ पर, आप यहां पर इस वीडियो में देख पाएंगे कि आपको कितने पाठ पढ़ने हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया निबंध शीर्षक पाठ क्या है, क्या लिखूं, इस पाठ को भी इस बार पढ़ना है आपको। और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जून माह जो कि ग्रीष्मावकाश के रूप में है, यानी जून माह में छुट्टी रहेगी और जुलाई में पुनः आपको पढ़ना है रसखान कवि के सवैये शीर्षक पाठ को और कवित्व को, यानी कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं और उनके जितने भी कवित्व हैं जुलाई माह में। हालांकि मैं अब स्टार्ट कर चुका हूं 2025 का जो सिलेबस है हिंदी विषय का कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए, क्रमशः मैं पढ़ाने का शुभारंभ कर चुका हूं चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला जो है पाठ आपको कौन सा तैयार करना है, कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति और नीत के दोहे, अनियोक्त विलासा जो कि संस्कृत खंड का पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, दीरा दीरेण पूजते, इस पाठ को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला पाठ आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है किस माह में, जुलाई माह के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द, इन सभी को भी पढ़ लेना है। फिर मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्न के आधार पर आपका टेस्ट होगा, कब, जुलाई माह में ही मेरे प्यारे बच्चों। अगस्त माह में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित चीटी शीर्षक पाठ, चंद्रलोक में प्रथम बार इस कविता को भी पढ़ना है, देशभक्ता चंद्रशेखरा, इस पाठ को भी पढ़ना है, केन किम वर्धते, और इस पाठ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी पाठ्यक्रम का जो यूपी बोर्ड ने मासिक विभाजन किया है, इसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपकी धुआंधार तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड काव्य, जिसका आधा भाग आपको तैयार करना है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, इस पाठ को भी आपको तैयार कर लेना है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन भी अगस्त माह के अंतर्गत ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सितंबर माह में आपको क्या तैयार करना है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि एवं समास पढ़ना है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा शीर्षक पाठ को पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप आपको तैयार करना है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद इस बार आपके सिलेबस में है, इसको भी तैयार करना है सितंबर माह में, तथा मेरे प्यारे बच्चों राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, इस पाठ को भी पढ़ना है। अक्टूबर माह में आपको राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित स्वदेश प्रेम और माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा जवानी शीर्षक पाठ को आपको पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित भारत माता का मंदिर, यह निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदुओं पर निबंध आपको तैयार कर लेना है अक्टूबर माह में ही। इसी तरह से इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा और अक्टूबर माह में ही संभवतः अक्टूबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा यूपी बोर्ड के द्वारा, जैसा कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार या जो पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, इस विभाजन के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी अक्टूबर माह में ही होंगी। अगला है मेरे प्यारे बच्चों नवंबर माह। नवंबर माह के अंतर्गत आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर इस शीर्षक पाठ को तैयार कर लेना है। हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना और मेरे प्यारे बच्चों भगवत सरल उपाध्याय जी के द्वारा रचित अजंता शीर्षक पाठ को भी पढ़ना है। जयप्रकाश भारती जी के द्वारा रचित पानी में चंदा और चांद पर आदमी शीर्षक पाठ को तैयार कर लेना है और केदारनाथ सिंह जी के द्वारा रचित नदी शीर्षक पाठ को नवंबर माह के अंतर्गत आपको पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा, कब, नवंबर माह में ही। इसके बाद दिसंबर माह में मेरे प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, इस पाठ को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद निबंध रचना जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण जनसंख्या इत्यादि बिंदुओं पर आपको निबंध तैयार कर लेना है या कराया जाएगा आपके विद्यालय में। मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ को पढ़ना है दिसंबर माह के अंतर्गत। श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित हल्दी घाटी जीवन सूत्राणि संस्कृत व्याकरण जिसके अंतर्गत संस्कृत अनुवाद भी आपको दिसंबर माह के अंतर्गत ही तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन भी दिसंबर माह के अंतर्गत हो जाएगा। जनवरी माह में जो खंड काव्य का शेष भाग बचा हुआ है उसको आपको तैयार करना है और जनवरी माह के अंतर्गत ही आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन भी कराया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा,
जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन है। इस मासिक विभाजन के आधार पर तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कब क्या पढ़ना है, और मैं इसी के अनुसार यानी इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी कराऊंगा। साथ ही मैं आपको बस जानकारी देना चाहता हूं कि आपको सामाजिक विषय की तैयारी करने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक विज्ञान विषय की भी मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा, गृह विज्ञान विषय की भी मैं धुआंधार आप सभी की तैयारी कराऊंगा, और चित्रकला विषय की भी मैं धुआंधार तैयारी कराऊंगा, जिसमें से सबसे मुख्य विषय है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय, जिसकी तैयारी यदि आप बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो मैं आपको पीडीएफ, जी हां, अपनी नोट्स कैसे बनाएं, आप सभी लोग नोट्स बनाने का तरीका भी वीडियो के लास्ट तक बताता चलूंगा जब आपको तैयारी कराऊंगा बोर्ड परीक्षा 2025 की। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।